तो पहला प्राथमिक कार्य सभी के फोन उठेंगे, सभी के फोनों की सुनवाई होगी। प्रत्येक दिन हम लोग ये तय करेंगे कितने लोगों ने हमें फोन किया। देखिए, मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं तो फिजात का बेटा हूँ। जो जनमानस की समस्याएं हैं उनका निदान उतना उत्तरोत्तर नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। तो पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो मैं किसी भी स्तर पर आपका मनोबल नहीं तोड़ूंगा, और जो भी आप लोगों की अपेक्षाएं हैं मेरा पूरा प्रयास होगा, मैं उन पर खरा उतरूं। यदि वो अवसर मुझे मिलेगा, फिरोजाबाद में उभरता हुआ एक चेहरा आप अभिषेक मित्र क्रांति का पाएंगे, और फिरोजाबाद की जन जन की समस्याओं का निराकरण करने का, उनके घर जाके उनके मोहल्ले में जाकर एक समितियां बनाकर लागू करके ऐसा मेरा करने का एक प्रयास है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से KIA के स्पेशल सीरीज की इंटरव्यू में। दोस्तों, आज इस स्पेशल सीरीज में जैसा कि हम पहले भी कई एपिसोड्स में दिखा चुके हैं कि फिरोजाबाद में महापौर पद के कई सारे आवेदन आ चुके हैं, लेकिन उन सब आवेदनों में कौन बेस्ट होगा और किसका सिलेक्शन होगा, कौन प्रत्याशी बनेगा, ये सब आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आवेदक हैं उनसे हम आपकी लगातार बात करा रहे हैं, उनसे रूबरू करते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनसे आपका साक्षात्कार कराते हैं कि आखिर वो आवेदक जो हैं वो कितने पानी में हैं। तो चलिए उसी सीरीज में, उसी कड़ी में आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री अभिषेक मित्तल जी। अभिषेक मित्तल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यहाँ। गौरव जी, अभिषेक जी, सबसे पहले तो क्योंकि आप आवेदक हैं तो अपना परिचय जनता को दें, जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो आपसे रूबरू हो सके। मेरा नाम अभिषेक क्रांति है, अभिषेक मित्तल क्रांति, वैश्य समाज से आता हूँ, और मैंने जीवन में बहुत सारा समय अपने सामाजिक कार्यों में दिया है। दुर्गा नगर गली नंबर 2 का निवासी हूँ। पिताजी श्री आनंद कुमार मित्तल जी व्यवसायी हैं, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर का व्यवसाय है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर में हमारी फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग होती है अपने द्वारा, और लगभग 20 वर्ष से हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं। अपना मेरा जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से हुआ। पिताजी उस समय नगर कारवा हुआ करते थे, तो बचपन से ही क्या हुआ गौरव जी, परिवार में संघ का भाव आ गया। पिताजी को मैंने बचपन से कार्य करते हुए देखा, तो जब पिताजी शाखा जाते थे तो मेरे को हुंगी पर के शाखा ले जाया करते थे, तो बचपन से ही संघ से जुड़ना हो गया। मेरे को ध्यान है अभी भी, जब छठवीं या सातवीं क्लास में मैं पढ़ता था, कक्षा में पढ़ता था, तो ध्वज होता था, तो ध्वज का डंडा होता था हमारे यहाँ, उसका ध्वज और पोल में अपने कंधे पर लगाकर निकलता था। 5 से 6 बजे की शाखा लगती थी, हनुमान शाखा शाम की मैं लगाता था, तो मैं उसके लिए घर से निकल जाता था 3:30 बजे निकल जाता था, और 3:30 बजे गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4, जो हमारे साथी स्वयंसेवक थे, सबको निकालते हुए अपने हनुमान शाखा में इकट्ठा होना, और वहां पर फिर जो अपनी शाखा का 1 घंटे की कोई पद्धति है उस कार्य को, उसको खेल के माध्यम से करना होता था। तो बचपन से ही शाखा में जाने का, और मेरी रुचि भी थी, पिताजी को काम करते देखकर मेरी भी उसमें रुचि जागी, तो मैंने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, जो सबसे न्यूनतम स्तर होता है, वहां से अपनी शुरुआत करी है समाज सेवा में। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हनुमान शाखा में जाता था, तो वहां पे सबसे पहला मेरे को दायित्व मिला घटनायक का। घटनायक का कार्य होता है सभी गलियों से बच्चों को इकट्ठा करना, उसको लेकर जाना और शाखा में खेलना। घटनायक बना, फिर गढ़ शिक्षक बना, इसके बाद मुख्य शिक्षक बना, शाखा कार्यवाह बना, सायम टीम में शारीरिक प्रमुख बना, इसके बाद शाम कार्यवाह बना, प्रभात टीम में प्रभात कार्यवाह बना, घोष प्रमुख का दायित्व रहा, प्रचार प्रमुख का दायित्व रहा। इस तरह से मेरी जीवन की संघ में लगभग 20 वर्षों की यात्रा रही। सन 2018 में संघ की ओर से मुझे अनुसांगिक संगठन क्रीडा भारती की जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल नया संगठन था, कोई भी जानकारी नहीं थी किस प्रकार कार्य किया जाता है, कैसे कार्य किया जाता है, लेकिन इतने समय तक मेरे को लगातार निचले से ऊपरी स्तर तक आते होते इतने कार्य का अनुभव हो गया था कि मेरे को पता था मेरे को करना क्या है। होता है क्या ना, जब हम किसी भी कार्य को पूरी तन्मयता से करते हैं तो संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़े जाते हैं। तो निश्चित तौर पर क्रीड़ा भारती का पहला कार्यक्रम पीटी जैन इंटर कॉलेज में 17,000 संख्या के साथ हम लोगों ने विशाल सूर्य नमस्कार महोत्सव का आयोजन किया। तो क्रीड़ा भारती की उससे एक बड़ी पहचान बन गई कि क्रीड़ा भारती कोई एक संगठन है, लेकिन इसके बाद जब हमने उसकी टीम बनाई और महानगर स्तर पर गली गली मोहल्लों मोहल्लों में जब हमने उसके कार्यक्रम कराए, तो क्रीड़ा भारती की भी एक विशेष पहचान हुई। और जो मैं अपना 20 से 25 वर्षों का सेवा काल देखता हूँ, तो उसमें मैंने विभिन्न संगठनों में सीधे सीधे समाज सेवा के रूप में, समाज सेवक के रूप में सीधे भूमिका निभाई। अभी आयु कितनी है? देखिए, वर्तमान मेरी आयु है 32 वर्ष जी।
जिसमें मेरी संगायु है अपनी 24 वर्ष। अच्छा अभिषेक जी, पहले आपने अभी जैसे बताया कि आपने सोशल एक्टिविटीज और संघ में तो काफी काम किया है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल कोई एक्सपीरियंस है आपको? देखिए पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में सीधी तौर पर कहूंगी बहुत अच्छा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने राजनीति में आदरणीय मेरे चाचा जी, मैं मानता हूं उनको, मेरे पिता स्वरूप में आदरणीय श्री मनीष सिसोदिया जी, मैंने उनको कार्य करते हुए देखा, उनसे मैंने प्रेरणा ली है। जब उनके विधानसभा चुनाव हुए उससे पूर्व में वो नगर पालिका के अध्यक्ष जैसी मुख्य भूमिकाओं में रहे वो राजनीति में, तो मैं उनके साथ उनके पीछे हमेशा चला हूँ, मैंने उनको कार्य करते हुए देखा है। और देखिए जिंदगी में हम कई काम पहली बार करते हैं उसके अनुभव भी होते हैं, तो मैं ऐसा नहीं है कि कोई काम हम लोग पहली बार कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी। मेरा एक सूत्र है, मैं कहता हूँ जीत उसको ही मिली है जो हार से जमकर लड़े हैं, हार के भय से डिगे जो वे धराशायी पड़े हैं, और हर विजय संकल्प के पर पूजती देखी गई है, वे किनारे ही बचे जो सिंधु को बांधे खड़े हैं। क्या बात, तो निश्चित तौर पर अगर हम लोग किसी भी कार्य में पूरी तन्मयता से पूरी मेहनत से उस काम को करें तो हम लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, लोग उस कार्य में सफल होते हैं। अगर आप ये कहते हैं पहली बार मैं राजनीति में जा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है, मैंने कई बार सीधे सीधे समन्वयक की भूमिका निभाई है संघ की दृष्टि से, और राजनीति में लोगों को खुद नहीं किया लेकिन करते तो देखा है, उससे प्रेरणा ली है, और किस प्रकार के शहर में जो समस्याएं हैं उनको किस प्रकार मैंने लोगों को उसका निराकरण करते हुए देखा, तो उससे सीखा है हम लोगों ने। ये है भरी हम लोगों की पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है लेकिन समाज सामाजिक पृष्ठभूमि है, समाज सेवी को तो एक हम लोग जाना पहचाना, मैं शहर में नाम मानता हूँ स्वयं का, तो होता क्या है जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में जो सामाजिक व्यक्ति जाता है वो बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है, क्योंकि वो लोगों के बीच में जुड़ा रहा है, उसने सीधे इंटरेक्ट किया है लोगों से, वो उनकी समस्या को जानता है, उनके बीच में रहा है, तो निश्चित तौर पर वो समस्या को समाधान निकालेगा ढूंढेगा, ये मेरा मानना है। आगे बढ़ते हैं, आपने बताया कि आप राजनीति में मैंने शादी नहीं करी तो बराता तो करी कह सकते हैं बिल्कुल तो चलिए फिलहाल आपको क्या लगता है कि फिरोजाबाद में जिस तरीके से अभी पूर्व में महापौर रही हैं जी, तो क्या उनमें ऐसी क्या उनसे खामियां रह गई फिरोजाबाद में जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं? देखिए खामियों की बात कहें तो मुझसे अच्छा ही जनता बताएगी आपको, जब आप जनता के बीच में जाएंगे और एक अवलोकन करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में ऐसे क्या कार्य उनके द्वारा नहीं हुए, तो मुझसे अच्छा जनता इस बारे में आपको जवाब दे पाएगी। और आप यदि मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या कर पाऊंगा, तो निश्चित तौर पर मैं ये वाली बात आपको मतलब पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं उनसे अच्छा कार्य करके आपको दिखला सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं सामाजिक संगठनों में जाता हूँ, बैठता हूँ, कार्य करता हूँ, तो लोगों से चर्चा होती है कि भाई कौन से क्षेत्र का कौन निवासी, वो अपनी समस्या बताता है, दूसरा व्यक्ति अपनी समस्या बताता है, तो उस सबसे एक सार निकल के आ जाता है कि कहाँ कहाँ समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान कैसे, उस पर एक चिंतन का विषय है, उसको चिंतन करके हम लोग उस पर आगे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आपने बताया कि आप सामाजिक व्यक्ति हैं, उसके साथ साथ आप व्यवसायी भी हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि क्या एक व्यवसायी एक राजनीतिज्ञ हो सकता है? जी बिल्कुल, एक व्यवसायी एक राजनीतिज्ञ एक अच्छा राजनीतिज्ञ हो सकता है, मेरा ये मानना, क्योंकि एक व्यवसायी क्या करेगा, देखिए उसको क्या करना है, मैं एक व्यवसायी हूं तो मेरे को 10 रुपए की चीज खरीदनी है और 10 रुपए की चीज को मेरे को 11 रुपए में बेचना है और मेरे को लाभ भी देखना है अपना और ये भी देखना है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी देखना है। केवल व्यापारी का काम ये नहीं है कि उसने सामान आगे से पीछे से खरीदा या बनाया और आगे बेच दिया, उसके बाद उसको उसकी सेवा भी देनी है, उसकी सर्विस भी अलॉट करानी है। तो मैं अगर राजनीति में आता हूँ, देखिए मैं गोविंद लाया पर मेरा व्यवसाय है और मैं मेरी प्रमुखता वहां पे किस चीज की होती थी कि जो ग्राहक मेरे यहाँ से सामान खरीद के ले जा रहा, कुछ भी खरीद के ले जा रहा है और उसकी मेरे पास शिकायत आए तो मैं उस शिकायत का भरपूर समाधान कर पाऊं, इसलिए मैंने अपने यहाँ कंप्लेन रजिस्टर, मोस्टली मेरा ये मानना नहीं है कि हर दुकानदार कंप्लेन रजिस्टर बनाता है, लेकिन मेरे यहाँ प्रॉपर कंप्लेन रजिस्टर है, जैसे आपका फोन आया आपका एड्रेस नाम एड्रेस सब और डेट आगे नोट कर दिया कब आपकी कंप्लेन आई, तो मेरी कोशिश रहती है 24 to 72 hours मैं उस कंप्लेन को रिमूव कराऊं और यही कोशिश मेरी नगर निगम में होगी कि यदि कहीं से भी कोई समस्या आ रही है हम एक हेल्पलाइन सेंटर बनाएं, कहीं से भी कोई समस्या आ रही है उसको नोटेड करें, कंप्लेन नंबर प्रोवाइड कराएं और उस समस्या को 24 to 72 hours रिमूव करने का एक वचन मेरा ये है, एक संकल्प है। इसे आप अपना की पॉइंट मानते हैं? बिल्कुल, देखिए है क्या, आप राजनीति में जुड़ रहे हैं स्वयं के लिए तो नहीं जुड़े, आप लोगों की समाज आप लोगों की सेवा के लिए जुड़ रहे हैं, लोग अगर आपको राजनीति में
सिद्ध होना है, स्वयं को साबित करना है, तो आपको लोगों के दिल में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। और दिल में जगह बनाने का एक ही वो है कि आप है ना उनके कार्य करें, ज्यादा से ज्यादा उनके सहयोग में आए, उनके साथ खड़े रहें, उनका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मुझसे मदद मांगने आ रहा है, यदि किसी कारणवश मैं उसकी मदद ना भी कर पाऊं, तो उसे ये लगना चाहिए कि अभिषेक मित्तल मेरे लिए खड़ा रहा, मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे को जिस समय कष्ट था वो मेरे बराबर में मौजूद था, ये उसको आभास होना चाहिए। ये मेरा ठीक बहुत अच्छे। आपने पिछले कुछ वर्षों में जी कुछ ऐसा काम किया है आपको लगता है कि जनता आपको उसका श्रेय देकर के वोट दे देगी? देखिए मैं बता दूं, मैंने 2012 में एक गुरुकुल विद्यालय की स्थापना करी थी झील की पुलिया पर, न्यू रामगढ़ बोला जाता है उस क्षेत्र को, गली नंबर 4 में। सन 2011 में विद्यालय की स्थापना करी थी, उस समय मैं तो आज राजनीति के लिए, मैं आज मेयर के लिए दावेदारी कर रहा हूं क्योंकि सामान्य सीट है, यदि सामान्य सीट नहीं होती तो निश्चित तौर पर मैं दावेदारी नहीं करता उस स्थिति में। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पिछले जो सामाजिक कार्य करे हैं तो ये सोच के करें कि आने मेरे को राजनीति में जाना, ऐसा नहीं था। राजनीति में मेरे आने का निर्णय भी पिछले 6 माह का। तो जो मेरा विद्यालय है गुरुकुल विद्यापीठ, गुरुकुल पाठशाला, उसकी हमने स्थापना 2011 में, मेरा मित्र है राजू मित्तल, वो भी एक व्यवसायी समाज से भी व्यक्तित्व है। लेकिन कहते हैं ना सर, जब आप किसी अच्छे कार्य में लगते हैं तो प्रगति बहुत जल्दी होती है। तो मेरे पास फिर 3 महीने बाद फोन आता है कि सर ये भी कमरे छोटे पड़ने लगे। और ये एक अच्छी चीज है सामाजिक कार्य में, जब आप स्वयं भी जुड़ते हो, 4 लोगों को जोड़ते भी, तो सामाजिक कार्य बड़ा रूप ले लेता है। वर्तमान में हमारा जो विद्यालय है उसमें 5वीं कक्षा तक विद्यालय संचालित है, 137 या 138 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें 95 भाई है बाकी बहने। अब तक पिछले 7 साल में उस विद्यालय से 850 बच्चे लाभ ले चुके हैं, शिक्षा ले चुके हैं, उनको भी हम लोग पूरी पढ़ाई निशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, कॉपी किताब पेंसिल रबर कटर, वहां इवन जब वो बच्चे वहां से जाते हैं तो उन्हें लाइब्रेरी, मतलब जो थोड़ा बहुत जितना भी हमसे सक्षम है उनको देने का प्रयास, अपना ही प्रयास रहता है। तो निश्चित तौर पे जब वो एक मेरा एक कार्यक्रम देखते हैं तो निश्चित तौर पे लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ उसने पहले भी इस तरह का एक प्रकल्प समाज के लिए स्थापित किया। नगर में चूंकि आप नगर के प्रथम नागरिक बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं जी, तो प्रथम नागरिक के तौर पर आपके क्या क्या दायित्व और कर्तव्य आप समझते हैं? देखिए पहला प्रमुख कर्तव्य ये है कि कोई भी कार्यकर्ता, प्रशासनिक व्यक्ति, संगठन का व्यक्ति, आम जनमानस मुझे फोन करे किसी भी कार्य के लिए तो मेरा वो फोन उठ जाए। मेरे हिसाब से इससे बड़ा कार्य तो ये प्राथमिकता है। देखिए होता क्या है, मैं यदि राजनीति में हूं और किसी अच्छे दायित्व पर हूं, प्रशासनिक दायित्व पर हूं, और उस समय कार्यकर्ता मुझसे अपेक्षा करे, मुझको फोन करे और मेरे फोन ना उठे, जो कि ऐसा कुछ पिछले वर्षों में कुछ सुनने में आया है, तो ये बहुत कष्टदायी स्थिति हो जाती है। कार्यकर्ता आपके लिए मेहनत करता है, संगठन के लिए मेहनत करता है, समय निकालता है, अपना धन खर्च करता है, और जब आप कुछ बन जाते हैं निस्वार्थ भाव से, वो भी कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से, हाँ कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से ही करता है, कार्यकर्ता के मन में कुछ नहीं, कार्यकर्ता के मन में क्या है, बस राष्ट्र भाव, राष्ट्र भाव के लिए वो कार्य करता है संगठन में। और उसके बावजूद जब उसके कुछ ऐसे कार्य, चाहे उसके मोहल्ले के हों, उसके गलियों के हों, और ऐसी स्थिति में जब फोन नहीं उठते तो मेरे साथ वो बहुत कष्टदायी स्थिति हो जाती है। तो पहला प्राथमिक कार्य सभी के फोन उठेंगे, सभी के फोनों की सुनवाई होगी, प्रत्येक दिन हम लोग ये तय करेंगे कितने लोगों ने हमें फोन किया, और उनको भी एक निश्चित समय दें हम लोग, भाई जिसका भी हमारे पास समस्या आई उसको एक निश्चित समय दें कि भाई आपकी समस्या को हम इतने समय में हम इसको समाप्त कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो उससे उसको उसका भी मनोबल बढ़ेगा, अगली बार वो भी अपनी और अन्य समस्या भी कह पाएगा। होता क्या है, पहली बार में ही उसने हार मान ली, भाई पहली बार उसने फोन किया आपका फोन उठा नहीं, वो आपके नगर निगम दफ्तर पर पहुंचा, पता चला आप वहां पे अवेलेबल नहीं है, वो आपसे मिलने का प्रयास कर रहा है, आप उपलब्ध नहीं हो पा रहे, उस स्थिति में क्या होता है, कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है, उसका क्या है, उसके मन में हीन भावना आती है, संगठन के प्रति भी आती है, निगम के प्रति भी आती है, महापौर के प्रति भी आती है, और वो सामाजिक कार्यों के प्रति भी आती है कि मैंने इतने वर्ष इतना सामाजिक कार्य किया, उसके बावजूद मेरा एक फोन नहीं हो सकता, मेरा एक काम नहीं हो सकता, मेरा इतना छोटा सा काम नहीं हो सकता। कार्य होना चाहिए, व्यक्ति को मन से जुड़ना होगा भाई साहब, तभी आप सफल हो सकते हैं राजनीति।
इसके साथ ही साथ अन्य जो समस्याएं थी कि फिरोजाबाद में एक बड़ी विकराल समस्या है जाम की। आप जब दोपहर के 12 बजेंगे आप कहां कहां जाम पाएंगे? आप जाम पाएंगे सबसे पहले विवेकानंद चौक पे आप जाम पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप जाम कहां पाएंगे? आप जाम पाएंगे डाकखाने चौराहे पर जाम पाएंगे। आप जाम कहां पाएंगे? ये जो अपनी सर्विस लेन बनी हुई है, जो पंजाब नेशनल बैंक वाली जो सर्विस लेन है अपनी बाईपास रोड वाली, उस पे आप जाम पाएंगे। आप जाम कहां पाएंगे? आप जाम पाएंगे बगड़ा नगला बड़ी पे जो सर्विस लेन है आप उस पे जाम पाएंगे। तो हो क्या जाता है, पूरा कुछ चार प्रमुख मार्ग जाम होने से पूरा शहर जाम होने की स्थिति में आ जाता है। आवश्यकता क्या है कि भरपूर प्रबंधन की। मैं ये कहता हूं कि यदि कोई प्रॉपर मैनेजमेंट करने वाला है, यदि आपके अंदर मैनेजमेंट के भाव है, आप मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, तो इससे अच्छा शहर को श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता। आपको केवल मैनेजमेंट करना, हर समस्या का समाधान मैनेजमेंट में ही है। आप अगर ढंग से सब चीज मैनेज कर रहे हैं तो हर समस्या का समाधान में बहुत ज्यादा व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। है क्या शहर में इतनी मात्रा में जो ई रिक्शा चालक हो गए हैं, आवश्यकता क्या है उसका कुशल, उनका कुशल प्रबंधन करने की, उनकी टीम बनाने की, उनका स्थान बांटने की। ये वाला विषय अभी से भी बहुत लोगों के मन में है कि जितने भी अपने ई रिक्शा चालक हैं उन सबकी एक समूह, एक सूची बनाई जाए, उनको नगर निगम में पंजीकृत कराया जाए। कई बार क्या होता है, हम लोग उनको पंजीकृत नहीं करा रहे, नगर निगम पता चला ऊपर से कोई योजना आई हुई है गरीब तबके के लोगों के लिए, रिक्शा चालकों के लिए, ठेला चालकों के लिए कोई योजना आई हुई है। अब पंजीकृत नहीं है तो उन तक योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो हम उन्हें पंजीकृत करें, जो ऊपर से जो योजना आ रही है उनका लाभ उन्हें मिले, उनके साथ बैठें, उनके साथ बैठकर नगर निगम उनके लिए क्या अच्छे प्रयास कर सकता है इस पर बैठें। होता है क्या ना, संवाद से ही हर चीज का निदान है। अगर हम किसी से संवाद नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, तो हम क्या जानेंगे उसकी पीड़ा, उसका कष्ट कहां जानेंगे? हमें उसके कष्ट को जानने की जरूरत है, तब हम उसकी समस्या का निदान कर पाएंगे। तो जब संवाद स्थापित करेंगे तो चारों समस्याओं का समाधान भी होगा। इसमें जाम भी एक समस्या है, प्रमुख समस्या है, ठीक है। फिरोजाबाद की आम जनमानस के लिए आप उसको किस स्थिति से, किस नजरिए से देखते हैं कि फिरोजाबाद को अगर आप महापौर बनते हैं तो आप फिरोजाबाद को कहां तक ले जा सकते हैं? देखिए, मैं राजनेता नहीं हूं, मैं तो फिरोजाबाद का बेटा हूं। मेरी सोच यही है, क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि होने के कारण गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोगों से जाके मिलना होता है। संघ में एक कार्यक्रम होते हैं तो हम लोग भोजन इकट्ठा करते हैं, भोजन के पैकेट मांग ले जाते हैं। कहीं शिविर लगता है तो हम लोग दरी कंबल लेने भी जाते हैं। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं, धन संग्रह अभियान होता है। अब कहीं कोई सामाजिक कोई योजनाएं आती तो उन तक भी वो योजनाएं पहुंचानी होती हैं, तो मेरा संघ से संपर्क होता है, और जब मेरा उनसे संपर्क होता है तो वो मुझे अपनी समस्या बताते हैं। और सीधी बात है कि वो लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे जब मैं उनका कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का निदान करूंगा। आज के समय है क्या, जो जनमानस की समस्याएं हैं उनका निदान उतना उत्तरोत्तर नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए, मेरा ही। अब कोई ऐसा कोई मैसेज जो आप अपील करना चाहें फिरोजाबाद की जनता आपके सामने है? मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें, और यदि आपका आशीर्वाद मुझे पूरी तरह मिलता है, मैं फिरोजाबाद में मेयर पद पर मेरे को पार्टी उम्मीदवार बनाती है, तो मैं किसी भी स्तर पर आपका मनोबल नहीं तोड़ूंगा, और जो भी आप लोगों की अपेक्षाएं हैं मेरा पूरा प्रयास होगा, मैं उन पर खरा उतरूं। क्यों? क्योंकि आपके बीच का व्यक्ति हूं। और कहते हैं कि जो देखिए जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो एक राजनीतिक मंशा से ही कार्य करता है। मैंने विभिन्न जो सामाजिक क्षेत्र जिनमें भी कार्य किया है उनमें भी एक अच्छी सोच के साथ, एक विस्तारवादी सोच के साथ कार्य किया कि कैसे हम संगठन को आगे बढ़ा सकते, पूरे मन से स्वयं को पूरा झोंक कर उस संगठन के लिए कार्य किया। मैंने हमेशा से मेरी यही भूमिका रही है। किसी भी संगठन को आप देखिए, जब तरुण शाखा में काम किया तब उसके लिए मैंने जी जान लगा दिया। तरुण शाखा, प्रज्ञा हिंदी सेवा संस्थान ट्रस्ट, क्रीड़ा भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं सन 2009 में मेरा तृतीय वर्ष हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने संघ का सर्वोच्च वर्ग कर लिया तो बस हो गया। उसके बाद तृतीय वर्ष जिसका होता है उसकी उससे संगठन की अपेक्षा रहती है कि वो आगे भी लोगों को सिखाने का काम जारी रखे। तो तृतीय वर्ष होने के बाद भी मैं संघ 2009 से 2019 तक 10 वर्ष तक संघ शिक्षा वर्गों में शिक्षक की भूमिका के दायित्व का मैंने निर्वहन किया। क्यों? मैं भी ये चाहता हूं कि जो चीज मेरे को सीखने को मिली मेरे द्वारा भी अन्य लोगों तक वो ज्ञान पहुंचे। तो मैंने उन लोगों को भी 2009 से लेकर 2019 तक संघ शिक्षा वर्गों में अपनी शिक्षा की भूमिका निभाई, उन तक जितना मैंने सीखा ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो जितना मैं जानता हूं, जितना आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त होगा,
जितना आप मेरे को सहयोग करेंगे उससे कहीं ज्यादा लौटाकर मैं फिरोजाबाद को देने वाला हूँ। मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है फिरोजाबाद के करने के लिए, उसको मेरे को धरातल पर उतारना है, और वो धरातल पर तभी उतर सकता है जब आप मुझे वो करने के लिए अवसर प्रदान करें। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, पूरे गर्व से वाली बात कह सकता हूँ, यदि वो अवसर मुझे मिलेगा तो आप एक राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, फिरोजाबाद में एक उभरता हुआ एक चेहरा आप अभिषेक मित्तल क्रांति का पाएंगे, और फिरोजाबाद की जन जन की समस्याओं का निराकरण करने का, उनके घर जाके उनके मोहल्ले में जाकर एक समितियां बनाकर एक मैनेजमेंट लागू करके ऐसा मेरा करने का एक प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभिषेक मित्तल क्रांति, जिन्होंने आवेदन किया है भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनने के लिए, और अगर जनता ने चाहा तो वो महापौर बनेंगे। उनके क्या विचार थे और वो किस नजरिए से फिरोजाबाद को देखते हैं, ये हमने आज के इस की इंटरव्यू में जाना। अगली मुलाकात किसी अन्य विशेष व्यक्ति के साथ होगी। तब तक के लिए मुझे गौरव चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।